वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सतगुरु गरीब नवाज भगत पावन भगत अक्षर कृपा खड़ाने निम्रता दे हृदय शांति दे पुंज धरते नो तेज बख्शन हार जगत गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्य पातशाह जी दे साजे नवाजे गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी पूर्त हुई है परंत कल जो मैं कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपिया लाया ध्यान पवित्र सतगुरु के बाण या कीर्तन आत्मी ने श्रवण किया है विभागी बने हो अनेक प्रकार के प्रश्न जीवन के चलते रहते हैं कोई किसी ढंग कोई किसी ढंग प्रश्न करता है ऐसा दुनिया का कोई संकल्प नहीं प्रश्न नहीं जिहड़ा सतगुरु जी हरिवरी कह सिख ने ना किया हो गुरु के सिख का दिमाग काम करने वाला होना चाहिए है कि सतगुरु जी के मेहर का पात्र बने हो गए सिख ऐसा कोई भी किसी तरीके का प्रश्न जी का उत्तर गुरु की बाणी ना दिता गया होवे तो करें पर इन्ना हों कई वे आप कर्ज भी जीव हाँ अपनी बुद्ध थोड़ी है पुछ ना पाने के कारण तो किसी व्यक्ति उत्तर प्रश्न का उत्तर देने बुद्धि ना समर्थ होने के कारण कई बार जीव चुप कर देता है पर नहीं समझ लेना चाहिए कि गुरु की बाणी के उत्तर ने उत्तर है अपने आप को पता नहीं क्योंकि जान नहीं गुरु की बाणी तो सच्चे पातशाह जी के चरणों में एक मेरा सिखा ने प्रश्न किया महाराज जी आप जी जदों भी फरमाते हो यह हुक्म कर दो कि सिंह बाणी पढ़िया करो भाई कीर्तन करा करो वाहेगुरु का जाप करा करो थोड़ी कल्याण होगी शांति आवेगी सानू कृपा करके ये तो दसो आप जी अपने को ही कह रहे हो कि आप जी ने कोई प्रेरणा हो रही है तो सतगुरु गरीब नवाज ने उस वे उत्तर दिता से हाँ आप बोलना जानता मैं कह रहा सब हुक्म हो जी असि आपको भाई बोलना ही नहीं जानते जो सानू अकाल पुरख बुला असि वह बोलते हाँ सतगुरु जी कीर्तन बारे सब पुछया उस वे तो जी प्रीतम ने उत्तर दिता से जैसा गौर उपदेश मैं तैसो कहा पुकार नानक कह सुने मना कर कीर्तन हुए उदार हे प्यारे गुरसिख हे मेरे मन जैसा उपदेश तेन गुरु ने दिता उसने हृदय धारण कर गुरु का उपदेश की है सतगुरु की बाणी पंक्ति आंदी तनासरी राग गुरसिख मेत चलो गुर चाले जो गुर कह सोई पल मन हर हर कथा निराली सतगुरु जी ने अपने मित्र अपने दोस्त अपने भाई ए कह करके सिख नु वडियाई दिती है बल्कि दसवें स्वरूप होर भी बहुत भारी महानता बख्श दिते ओ महानता बख्शी है महाराज का फरमान है कि रहनी रह सोई सिख मेरा ओ साहिब मैं उसका तेरा एडी वड्डी शक्ति एडा वड्डा वार इतना प्यार इतिहास की खोज करके देख लो हिस्ट्रिया की पड़ताल करके देख लो देर चारे पढ़ लो सताई सिमरतियों तो भी ज्ञान हो जाओ अठारह पुराणा की ज्ञात आ जाए छे शास्त्रा की सोझी मिल जाए पर किसी अस्थान अपने पैरोकार एडी पाली देने का मरातबा कित लिखती रूप में नहीं मिलेगा जिदा गुरु घर मिले पर अज बड़े दुख नाव बचावा करनिया पैदा कृष्ण जी नू अवतार धारण बड़ा भारी समा हो गया है रेते दे अवतार रामचंद्र जी नू बहुत समा लंघ चुका है पर किसी शहर विच किसी पिंड विच किसी कस्बे विच पढ़े लिखे वीर ने कदे किसी अखबार विच रेडियो तो अख्तियार द्वारा ए नहीं कदे सुनिया होवेगा कि फलामे इलाके कृष्ण जी भी नवे जम पे ए नहीं कदे किसी ने सुनिया ना करे प्रदूषण आवाज पई है कि दूजा रामचंद्र जी कोई होर दुबारा जम पे ना करे किसी सिख के कान च आवाज पई है कि मुहम्मद एक कोई होर पैदा हो गया है जा ईसे ने जन्म ले लिया है ए सिखा ने लिखी बीमारी पलेग भी फैल गई जिथे किथे जाके सुनो किसी कौस दे विच किसी इलाकिया जो फलाने सामू रंगकार का रूप जाते दूजे थां भी
परमेश्वर मिलाने वाले होर जनता है सलामी नार खिला ले कोई झूठ की दुकान मेरे कोल ते कप नहीं ते उत्ते बोर्ड ले के लाते सच्चे सौदे की दुकान किते लाल कुर्ती किते किसी प्रकार का पखंड करे किसी प्रकार का पखंड गुरु के प्यारो अपनी सिख कौम हो क्यों रहे करे कृष्ण जन्या किसे वेख्या ना सुनिया ते दसो किसी भी इलाके देश बार ना देखा जाए कदे नहीं सुनोगे जे कोई कहिंदा कि दूजा कृष्ण है तो उस वे हिंदू मौत वाले बाई कार छे बराबर गोली मार के मार देंगे क्यों कृष्ण दूजा जमने कहते जमन नहीं देना जल भाई गुरु साहब ने गुरता कर दी श्री गुरु ग्रंथ साहब ने 1700 विक्रमित किया भैया दूज नी दूज अमृतसर साहब दे करके कह दिता कि आ गया भई अकाल की तभी चलाओ पंथ सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ ते फिर सिंह नाम वाले हूं गुरु प्यारे प्रेमी तुसी दसो कि आप क्यों गुरु ग्रंथ साहब छड़ के होर गुरु मानते हैं ते जे कोई होर गुरु अखवाउंदा है तो ओरी पाठ जरूर होनी चाहिए है धुरती बाणी तंग ते मंगल के टाइम च पढ़ी से आप के बाणी गुरु गुरु है बाणी लिच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कह से नाना प्रतख गुरु निस्तारे अज के पखंडवा दिए लोग कहते हैं कि प्रतख गुरु नाम के बंदे का उन्होंने प्रकाश चलाया होया कि कहें कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी गुरु हैं तो फिर तो बोलते नहीं बुलाए तो बिना जेड़ा बोलता नहीं वो कल्याण किसी की किवें कर सकता है यह नरक सारियां का प्रचार है ऐसे प्रचार में सुन के दास ने दो जज ते दो तीन वकील भी उन्होंने पंजे फसे वेखे चंडीगढ़ के पास राधा साहब है उसे दो तीन मेरा गुरमुख मिले भी है अगर जो उन्होंने प्रचार है प्यारे जो आप गुरु साहब की बाणी नहीं पढ़ते तो ऐसा चीजा अपने से प्रेशर से भर पै रहा है जो आप श्री गुरु ग्रंथ साहब जी गुरबाणी तो जाणू हो जाए तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता पखंडी का किसी प्रभाव अपने पर पै जाए क्योंकि आप अपने विरसे भुल चुके हैं जो पर आप प्रकाश गुरु बारे से कुछ प्रचार करिए वो कहते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब जी बोलते नहीं अपना तो निश्चय है कि बोलते हैं उन्होंने मत मुताबक आप विचार करिए खबर मन वो कहते गुरु नहीं बोलते एक सहवास पिंड कोई भी नौजवान अपना वीर फौज भर्ती हो जाता है लद्दाख दहाड़ियों कर्नल जनरल उसके भेज देंगे शादी हो साल या दो साल कुल हो अमृतारी सिंह फौज जा मेहनत पहुंचा विशवेश पिता जी बख्शिश हुई जिस प्राप दो सिख जंग जिंदगी भी बच गई अपनी बैरक आया कमरे अमृत वेला हो तीन घंटे रात रही है उठ के स्नान किया गुरबाणिया नित ने पंजे बाणिया पातशाह जी दीवार सुखम साहब इन्होंने बाणिया का नित ने करके दिन चढ़ गया उस प्यारे ने त्यार किया गुरमुख ने इतों के निवासी ने कि मेरा शादी हो टाइम थोड़ा होया करो आया मैं जंग करदा फिक्र होगा मैं सुख शांति चिट्ठी पाओ देनी चाहिए है और चिट्ठी से लिखता है एक ओंकार सतगुर प्रसाद थले लिखता मेरी परम सपत्नी जी सुख सौराजी बारी बाकी जो मन का कोई संकल्प किसी परिवार के संबंध में उन्हें चिट्ठी च लिख के बंद कर दी चिट्ठी चिट्ठी असहवास पिंड च पहुंच जाती है और बीबी अनपढ़ है फौजी करो हलकारा चिट्ठी रसालिया चिट्ठी लेके आया उसने चिट्ठी बीबी ने दे दी और भागा वाली धर्म पक्की 10-17 चिट्ठी सियानी के पति भी है सत्कार किया पर फुरना फुरिया कि मैं अनपढ़ है चिट्ठी पढ़ नहीं सकते तो गुआढ़ी सब के चिट्ठी पढ़वानी पड़ेगी ये दातिए तो क्यों ना पूछ रहा आवाज मारी के भाई चिट्ठी पढ़ा चिट्ठी तू भी सुना जा हम ए विचार करनी है नरक धारियों ने मौत के प्रचार की गुरमत के प्रचार की परख है वह कहते कि गुरु ग्रंथ साहब जी बोलते नहीं आप मन बोलते हैं पर उन्होंने प्रश्न का उत्तर देना एक चीज चेते करनी हर कने हम चिट्ठी नहीं बोलती पति बैठा लद्दाख की पहाड़ी चले करो बीबी वो बैठी है ऐस पिंड चिट्ठी पढ़ता डाक जाओ ना सस तोला ना सहरा तोला ना जेठ ना जठानी दरानी कोई कोल नहीं अकली बीबी है चिट्ठी पाई डाकिए ने बीज मंत्र पहले पढ़े को प्रसाद लिया पढ़े अगे डाकिया कहना मेरी धर्म सपत्नी जी पति तो नहीं कहता पाई चिट्ठी नहीं बोलती गुरु ग्रंथ साहब जी बोलते नहीं
चिट्ठी भी नहीं बोलती पति बैठा चार हजार मीर से डाकिया इनी गल कह रहे पखंडी कहते जो कुरबानी अर्थ करे और गुरु मनिया करो जेड़ा गुरु ग्रंथ साहब है यह तक लिखा हुआ एड़ा सुभाव सुना वाला ओनू गुरु मनना उन्होंने प्रचार है पालो डाकिया चिट्ठी सुना के लड़की नु कह रहे हो मैं तेन मेरी धर्म सपत्नी कविता चल मेरे कर मेरी घरवाली बन जा सिंह नाम वाले दसो ओ बीबी हो पुत्र पत्ता धर्म च कह दस कलाली डाकिया बिना शिकर तो सेवा होगी कोई अपने किसी ने भी धी भैन आपस माना तो जम रहा है गांव भी दुनिया माना तो जमनी है अपनी भी धी भैन किसी की होगी और किसी गया ही है डाकिया कह रहे चल मेरे घर अर्थ वाला सिंह और बर्दाश्त करेगा जे तो भाई डाकिया चिट्ठी सुना के पता धर्म वाली बीबी का पति बन सकता है तो फिर तो गुरु ग्रंथ साहब गुरबान के अर्थ सुना वाले गुरु मान लो जे भाई बीबी धर्म चाहे छित्र पौधे की सेवा करेगी तो फिर जो गुरु ग्रंथ साहब गुरबान के अर्थ करके सुना के मगरों के मैं गुरु मानो तो फिर भाई डाकिया होर सेवा नहीं करनी चाहिए सिख जे झूठ है शक है तो मुकर जावो तो जो सही है तो फिर पाठ करके खड़े रोकर दिया करो जेड़े कहते प्रतख गुरु कहते कि तुम जे सारी दसा गुरुआ मुड़ी है तो असं भी अजकल कोई कहना मरा ना स्वामी जे कौर नहीं मनता कोई कहना मनवंतर नहीं मनता साडा किसी ने वार नहीं मनण पर जे भाई जे तारियां नहीं मनते फिर गुरु ग्रंथ साहब भी आड़ क्यों लेंगे आपके गुरु गुरु जी कच्ची बाणी में अचार ना दसो लोग सानू कि दुख आपके कर से खूह पट्टी जाए तो पुटी जाए साडा होने कोई वैर की है पर आसा गुरु की बाणी के प्रचार एक जे गंदगी के पाए थैले का करना यह मनमत है जे प्रतख गुरु मनते हैं तो भाई मैं एक मिसाल तुम दे देना क्या आप गुरु की बाणी के शब्द अर्थ करने हैं प्रचार से लगे हुए बड़ा सुभाव लग जाना है इन्हें हो सकता तुम भी ना देखने कले पाओ पर कथ गुरु गुरु अर्जुन देव जी की जे तारी निरंकार का रूप सतगुरु अर्जुन देव जी तस्वीर तवी से बैठ के शीस गर्म रेता पुआ के लहाने लहा रेता पाने वाले अग डा के सामने वाले गुरु साहब ने कहा कि ना को मेरा दुश्मन रहा लोग किसते डराई ब्रह्म प्रसाद पसारो पीतर सतगुर से सोझी पाई सब को नीत हम आपन किन्ना हम सब ना के साजन दूर कराये मन का दिरा तो मेरे कियो मेरा राजन ये तत्ती तरी से बैठ के कहा तेरा किया मीठा लागा है हर नाम पदार्थ नाक मांगा है ये वचन तत्ती तरी से बैठ के कहे है कि जे भाई अज का पखंडवा भी कोई गुरु कहता कि प्रताप गुरु बंदे का नाम है आज सीख होंगी है लोहे की सरिया जू आप कहने ये जरा कित पा के लाल करके तो पखंडी दे तारी गुरु के किसी भी स्थान से पिंडे से ला के देखो जे तो वाहेगुरु का जाप कर लग पड़े तो फिर तो भाई मन पत्ती ला के तुरा राज करवा के तुम मन लेना चाहिए चंगा शक्ति वाला तो जे वो पाने बहुत हाय हाय करे तो फिर लत्ता बन के चुप सच के भुन देना चाहिए क्योंकि पूर्ण गुरु ने सी नहीं करे कहीं ये लखन है पूर्ण गुरु के अजकल पखंडवादियों ने प्रचार शुरू कर दिता सी कई मेरे वीर इतने कई मेरे से आए हैं अखबारों दबर पढ़ के कई साढ़े से शक भी करते हैं अगले पिंडर वाले हथियार बहुते नहीं फिरते हैं संत बन के हथियार की लड़ असि भाई थोड़े इस प्रचार में सहमत हाँ पर असि संत नहीं असि सिंह हाँ कल भी तर्क तारे पुत्र हाँ अमृत छपया हुआ है शास्त्र तो खाली खुसरा होंगा है और कोई शास्त्र कोई नहीं होंगे जे तो भाई सिखा ने कहा भेड़ा बकरिया खुसरिया की फिर तो शास्त्र की कोई लड़ नहीं जे सिखा रेखा सूर्यवीर बहादुर जो फिर शास्त्र की हमेशा लोड़ है पहला तो यह है दूजी गल है कि शास्त्र पहन के आप जालम कदे नहीं बनना जोड़ा चाकरा भाई शास्त्र बिना नहीं करे हो सकता पखंडी ने प्रचार शुरू किया दास के लखीमपुर से जिदे चार तरीक नरी हमारा करवतना यूपी के बंद ने अग पिटते हैं ना डॉक्टर नारायण वर्ग होर भी कही अगर जी ए हो गया माड़ा हो गया सिर्फ जाकर लड्डू क्या बन गए गरीबियां क्या बनिया तुम्हारू इस चीज का शायद कोई पता ना मैं रात कई दिन उन्होंने दिता मेरे को करते ही घट है जिस दिन बड़ी हो रही थी दास लखीमपुर की एक गुरमकड़े करे जा रहे थे सारे लंगर छकन उन्होंने लोगों ने बड़ी होने तो ये पैरोकार ने लड्डू तान सुख सुख के सब खाए थी शराब दिया बोतल साढ़े को भरिया सी फिर उन्हें कहा कि सिखा का गुरु गुरु हरगोबिंद साहब मीरी पीर का मालिक उन्होंने बोलजा चलाए थे साबे पखंड लादिए जे तारी गुरु ने सठ मरी कराई है उन्होंने प्रचार शुरू किया सिंह नाम वाले जरा के विचार पै के देखो
दस दस रूप पर होते हाथ दस ने कुछ पढ़िया तुम ज्यादा पढ़िया होगा वे तो सियाने पढ़े लिखे मैं तक पढ़ा है पर जिन्ना च पता लगा इतिहास विचों दस उस रूपां उपर व्यक्तियों ने वार किए हैं पर किसी ने वार नाल दसा स्वरूपां विचों ज्योति ज्योत नहीं सुनाया ज्योति ज्योत दस के सुना रहे तीन दिन कोई पांच दिन कोई चार दिन पहले गोरखा गद्दी दे के ते अपने थां ते स्थापन करके ते फिर कहते रोजगारी सिखो असि सत्संग जाने छेवे पातशाह से काबली बेग लड़ा बेग का भारजा हो काबल का सूबा जरा सी और छेवे पातशाह से वार किया सतगुरु जी ने वार बर्दाश्त करके थां चिपका दिता मरार के जंग काले थां करतारपुर साहब जरा दरवाजे वाला पते सुनेहरे है इसे वार किया मथे तीर मारा सतगुरु जी ने मस्तक चप के तीर पासे लंघ गया छेवे पातशाह मेरी तीर के मालिक ने काले थां जरा सी पेशाब का सूबा 50,000 फौज का मालिक और सच परिवार मार के एक कान एक अख एक नाक एक लत एक पास टुकड़ा एक पास धरती तलवार पसा दी सी जोड़ना मारी थी मेरी पीछे मालिक ने जे भाई शास्त्र कोल ना होंगे तो काले खा लिहाज कर लगा सी शास्त्र इस वास्ते कहते जुल्म नहीं कमाना पर जाल ने टाकर जरूर करना ये सतगुरु जी ने वार करने वाले ना भी नाल क्या शिकाया दस लोग आज जो किसी वीर में कही उम्र छक रहा है वह बड़ी नफरत करते हैं पर उन्होंने नफरत करने के कुछ कारण मैं फिर बेनती करना पहले इस तरह करा लीए करने पर विश्वेश पिता है ने अमृत छकया चारा जंग किए हजूर साहब पहुंच गए सिंघासन से बराजे हो पहले खाना पोतरा गल खा सतगुरु के उपर चेहरे से चादरा लिया होया है और यह जाने कि मेरे दादे ने इन्होंने दादा गुरु ने मारिया सी मैं अपने दादे का हक ले लवाना सुते पे जान के पेट विच ककार मार दी जे भाई अज के दिन अपने चौधरी कमेटी वाले वह कहेंगे कि कृपाना किली तक अगला करो कोई हद नहीं झोले च पाया करो कोई नुकसान नहीं संदूक च रख लिया करो गुरुद्वारे आने लगे पानी चाहिए है यह भाई मनमत है गुरु के सिकले कृपान अठे तर जापरे होनी चाहिए है जे करती धरती कृपान सो खजाने की पई होंगी जाकर किली तो चंगी होंगी गुल खाने कतार मारी थी महाराज कहते गुल खा ठहरी सर कृपान चुक रहे होंगे तुम दसो सिंह ना होना पला गुल खा उसे ठहरदा मार के जाता ना सतगुरु ने डाते कृपान से साढ़े तीन फुट जलो मार के भजन लगा माल महाराज कहे सोचना किधर चले साढ़ा वार देके जा एक भी पैर नहीं चुकन दिता उसने धार मार के दो टुकड़े करके सुट दिता क्यों सुटिया डाते कृपान से कृपान से तलवार का अर्थ होना फर्क है आकार पानी एक है कृपान कहते कृपा आन कृपा करनी गऊ गरीब से अपनी आन शान उचिया था और नाम है कृपान कही तलवार है तल नाम है तल का जेड़ी चीज तल दी मर जाती है वार ना वार वार करके तल देना मार देना जाल तलवार कहते हैं जाल तलवार से भी करिए है तल नाम है थले का तले का थले तो लैनी है निम्रता निम्रता वाल गरीबी है सब परे आ तल तो गरीबी निम्रता त्यौहार तो वार श्रेष्ठ श्रेष्ठ अपना जीवन बनाना निम्रता बचाना एना नाम है प्यार परिवार सतगुरु सचे पातशाह जी परिवार किए पर किसी गुरु साहबान कोई व्यक्ति शहीद नहीं कर सकते जे पाली आदि पखंडवादी कहते कि साडा गुरु सठा छुड़ा के आया है साडा गुरु पूरा है ते अधूरा नहीं ते फिर भाई मुकदमे करनी की लोड़ा गुरु तो मरदा नहीं किसी को अखबारा तो मैं पता लगा पढ़िया मैं नहीं डेढ़ मिनट के अंदर अंदर नाक चला दी गया गुरबचना दिल्ली चो जे पूर्ण गुरु सी तो फिर व्यक्ति के बाद में क्या मरिया अच्छा उठे एक मैंने कृपाला मिले उतो आया सी लिखा से रब का फैसला रब से छड़ गया जे भाई रब का फैसला रब से है तो फिर एफ आई आर के पिंडा वाले ने नाम खाने की लड़ सी की लड़ा असल प्रदेश की लड़ा वकील कर दसा स्वरूपों का इतिहास पढ़ो सतगुरु जी ने अपने पैरोकारों की रक्षा जरूर की है पर अपने पैरोकार किसी ने यह नहीं किया कि तू सा रक्षा करेगा तो अभी बचांगे यह नहीं किसी इतिहास लिखा कितने भी फर्क देख लो अब यह पसंदी तलहटा मर वहां मर गया वह कहता सी वकील अगे भावे मैं तेरा गुरु सी अज तो तू मेरा गुरु ते 25,000 रुपया एक तरीक ना लैना है पर मैं अमृतसर कचहरी बचना जान देनी यह गुरुआ ने कहना सिंह गुरु नानक देव साहब आवर दिन चक्या पीसन वास्ते उन्होंने बात करे थी सारी जनता स्वतंत्र किया छेवे पातशाह ग्वालियर के किले गए उसे गोविंदा राज छारा नौवे पातशाह दिल्ली पिंजरे च बंद रहे जीवानी कल्याण की
दसवें पात ने साल ज्योति जो समान तो मगर और उस तुम रह के बाले रह सतारे किले के कड़े किसी फोटो देने तेलंगाने घोड़िया पैर हस्पता आ गए नाल लमते हैं और सतारे के किले की फोटो है और सात साल ज्योति जो समान तो मगरों का नहीं ताजी ने कड़िया से उन्होंने और ऐसे गुरु ने सिंह आप छद के पखंडा दिया मगर लगी अपने नाल भी दसो बारे किस्मत की होगी सतगुर छद के मन होए बंदे का बंदा नहीं होना चाहिए आप पूरी गुरु ने सिख बनना चाहिए हाँ असि किसी सिख नही कि तू सा चेला बन जा तू सा पैरोकार बन जा जे शक ने लगो कोई लोड़ नहीं सामने बुलाने की साढ़े वर्तन की एक बेनती जरूर करते हैं सिंह ना वाले दाड़िया ना कटाया करो ट्यूशना बनाया करो शराब ना पिया करो मशीनिया गोलियां कैपसूल ना खाया करो हम थोड़े कोई नहीं बनते अमृत छको अमृत छको पंजाब प्यारियों को पांच प्यारियों से नफरत ना करो चाहे कोई मर्जी सिख है चाहे कोई कमियार है चाहे कोई कमियार है जिन्हें गुरु को अमृत छक लिया गुरु तक घर का पुत बन गया है पर जरूर दो चार चीजा देखनिया है एक तो यह देखना है कि पंजा प्यारियों च लगन वाला कृपाल कर रात को किले तक आंदा पंजा प्यारियों च लगन वाला रात को रूड़ी को चुक के तक नहीं आता शराब का शराबी होया पंजा प्यारियों की सेवा च लगन वाले मुंह के कुत्ते धारा तक नहीं मारते रात को पंजा प्यारियों की सेवा च लगन वाले कंधा तक बंदी नाल लिखा पिया तो जंगले करके शराब लैके नहीं मुख्या बचे पंजा प्यारे च लग जाए और भाई गुरु का बेरोजगार होगा और इतने कदे भरोसा नहीं करना चाहे वह संत हो चाहे कोई सिंह ना होने फिर चाहे कि भी पूजनी पवे जो शराब पीता पंजा प्यार च लगने का अधिकारी नहीं मरमत कोई अपनी वर्ती बेशक वर्ती जाए पंजा प्यार च लगन वाले पांच बारियां कंठ हो जबानी याद जाती साहब जाप साहब दस सरइये उन्ती पौड़ियां एक सरइया एक दोहरा चौपाई चाली पौड़ियां आनंद साहब दियां जिम्मे अज अपनी कमेटी बीमारी पै गई है छह पौड़ियां आनंद साहब दियां पर लग पे है और पंजा प्यार च लगना चाहिए यह मर्यादा होनी चाहिए है कि श्री गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश होवे जिते पांच प्यारे मत प्यार कर कुछ कुछ भेद है महाराज का प्रकाश होवे पांच प्यारे बाणियां पांच जवानी लाभ हो हजूर दी हजूरी चमक जल पा के बाते चे खंडा फेर के पतासे घोल देन गुरबाणी ना पढ़ लेन तां नहीं अमृत नहीं मनेगा तेरे पांच बाणियां पढ़ के पतासे घोल दे है ते गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश नहीं ते तां नहीं अमृत नहीं मनेगा इहो जिहा अमृत जिथों तुहानू लगदा है असी नहीं किसी को पिंडरावाया तो मैं छको जिथो मर्जी छको जिस महात्मा तो मर्जी छको पर कारी पांच कारों की रहत जरूर तारनी हो गया हम साधी जाति तौर से किसी कोई ईरखा नहीं ना किसी ना सा कोई वंड लिया है तो मैं नगर निवासी चाहना एक विशेष करके बेनती करना है पहली बार होने के कारण इतने सिंह अखबार कहने पढ़िया है तो कई नजारे जिले चो पढ़े लिखे वीर मेरे घर अमृतसर गए नहीं थी उन्हें कहा कि बाबा जी तू लोग बैठ के नारा डॉक्टर सू किसी ना जिथे सुनहरी मंदिर बनाया तू फिर जाके बहया तो जब तुम्हारे को सोना नहीं रहे दिता रंग जेब ने सिखा ने तलवार ने रखे सिखा ने सोने के मंदिर उन्होंने तुम बना रहे किसो लो कृष्ण जी का जन्म होया दास ने जगह देखी है औरंगजेब ने शिव दरवाजा ढा के छह फुट छेद वाले कंधा थले ते उपर मसीत है उपर बांगा मुसलमान दिंदे थले चलिया हिंदू खड़काउंदे जो तीन साल अपने गुरु के जन्म स्थान पवित्रता स्वतंत्रता सहित नहीं कर सके महाराजा रणजीत सिंह का राज आया और एक शर्क है छोटी जी विचार जी कोई छह फुट चौड़ी का साढ़े पांच फुट होगी और दास ने लेखी कांसी कांसी करवा तो कोई डेढ़ कफला होगी दूरी की जगह बनी हुई महाराजा रणजीत सिंह का राज आया और ये कह के प्रेमियों जे तुसी चाहते हिंदुओं ने कहा जे तुसी चाहते हो तो मैं नसीब चुरा के तुहाडा धार्मिक स्थान फिर हो जाकर कर देना तुसी सामने आओ हिंदुओं ने कहा नहीं महाराजा साहब साडी जगह पासे बना दे तू चढ़ाई करेगा मगर कोई मुसलमान साथ ने फेर खोलने तो तुम सभी जगह पासे बना दो उस तौर का बाली मान सोएगा महाराजा रणजीत सिंह ने हिंदुओं ने मंदिर क्यों लाया जे गल झूठी हो आकाशवादी समिति ने दिखे बाहर खड़ी है एने तो बैठ जाओ सिंह महाराज भेजना दसेगा तो जाके काशी हिंदू वाला मंदिर देखो शिव वाला महाराज रणजीत सिंह सोने वाला बड़ा टीम है दसो सिंह बाहर आप कर दे हिंदू कर दे दस आया इस बार जान लेता एक प्रीतम सिंह नामे फौजी गुरमुख मिले है जेड बिक्रम सिंह ने मराड़ मेरू वर्गिया ने जहाज के जनरल बिक्रम सिंह जरा कोई हिंदू डाकर होया और कह के भाई बिक्रम सिंह जी तू सिख सरदार है पुरातन समय में इतिहास सुने
कि जो हिंदुओं ने बहुत बेटियां चुकी थी और सिखा को जाके हिंदू फरियादा कर दे सिखा की मदद करा कर दे मेरी लड़की ना नी बाशी मोहम्मद वो रह गया चुक के तेन महीने हो गए दंदौर मैं तेरी सामने गुरु का सिखा ने रखा तार बिक्रम सिंह ने कहा कि चंगा पंत जी तू सामने आ गया मैंने गुरु का सिख तू क्या तेरा है भी सिख जा तीजे दिन लड़की तेरे को आ गई सुख लै जानी और उसने बाशी मोहम्मद ने जम्मू आना सी अपने सिपाहियों कह दिता बिक्रम सिंह ने कि जदों बाशी मोहम्मद की कार आ रहे और कार के एक विचों कर रहे तो कुटना इस तरह की हो गया चंगी तरह खटाया उन्हू बिक्रम सिंह आ गया और बाशी मोहम्मद कह लगा सरदार जी मेरी बेइज्जती की है लेकिन उस कह रहा होश नाल बोल तेरे तो चार चपेड़ा वाली तेरी बेइज्जती है कि जिस तरह उनकी लड़की कुमारी कहनी नहीं घर रखी बैठा कोई बेइज्जती नहीं और चंगी तरह खड़काया अपनी छड़ दिता और कहा तू तीजे दिन मेरी इस बैरक लड़की आ जाने तो समेत तेरे मंत्रियों ने अजय कृष्ण लड़ा लेंगे तो मेरा चेता रहा है तो याद रख रहा है तीजे दिन बख्शी मोहम्मद और पंडित की लड़की घरे छड़ के गया से हम भी साखी है थोड़े दो साल की बिक्रम सिंह के ज्योद की पर इन्होंने लोगों ने उस जनरल जहाज च बिठा के धोखे बंब बन के उड़ाया दसो भाई सिख ने कदों हिंदू का बुरा किया कदों हिंदू ने सिख का भला किया पांचवें पास बिठाने वाला कौन चंदू नहीं इतिहास पर ही तुम चंदू कौन सी बंबर सी छेवें पातशाह कौन है बवंजा हिंदू राजा कढ़ने वाले नौवे पातशाह कौन है जगत गुरु तिलक के चंदू से टोपी रखा करने वाले ऐसे महोबली शांति के कुछ तीर्थ आए सतगुरु करवानी देने वाले हम प्यारे हो साडे विचों हिंदू वीर पुछ के गुरु के पोतरे में शहीद कराने वाला कौन सी बंगू हिंदू नहीं सी सतगुरु हिंदुआ से पार कर हिंदू सिखा के उपर वॉर कर भाई अखबारों ने खबर बिल कर कटाला प्रकार कर्म करता है जो भाई सच कर मैं करा सतगुरु ना सतगुरु होंगे याद करता हूं तू ठीक हूं चला मैं घर से मैं गल कही है इतिहास से लिखी हुई गल कह रहा है तो फिर भाई गुस्सा क्या सारी गल है दूसरी गल है मंदिर च बैठे तो पिता ने मनाया पा बैठे तो चीजा है कहते लुकया बैठे किनिया देर खबर तुम्हें अखबारों के पढ़िया है मैं किन्नी देर कह चुका हाँ कि वरंत जारी करो जिसे वरंत का त्यौहार हो जिसे उस दिन मैं दिल्ली चला गया ना हो लुकन का की मतलब होगा तीन महीने हो गया बाद प्रचार करता फिर किन्निया संप्रदाय ऐसे इलाके च भी कई महात्मा पूजनी पहुंचे तू पादा होना जरा कि होगा किसी महात्मा ने समागम के टाइम से किसी पुलिस मुकया तुम्हें साढ़े से पहला दो तुम मानवता सम्मेलन करो जेवा ज्ञान का प्रदेश पढ़ाई बाहर तो फिर ताई पुलिस भी आड़ क्यों इन्हें कल डर क्यों पै गए दूजे महात्मा डर क्यों नहीं अस समागम करके बाहर जाते हाँ पर साढ़े तो किन्ना पहला लोगों का किन्नी पुलिस साढ़े नाल है ये तो तुम सामने सोचो भी हो पुलिस रख ले क्या ना जे मेरा सही जीवन हो सही प्रचार हो गुरमत के धारियों गुरु ग्रंथा के पास हो डर क्यों पाई हर लोग मेरा अपना फिर कला चल तुरद उन्होंने तो पैर करना है जीवन तो मैं तेरे गोरना च एक बेनती करके मंग मंगता हाँ भावे सामने इतने रोटी पानी कोई ना शिकायत ना सामने छकन की कोई इच्छा मूह काला कर दो छित्रा नहीं बहो कर गाल कद कैसे तोड़ दो असि तुहाड़ा सत्कार करा पर साड़ी एक बेनती जरूर मंग लो जिन्हें संघना वाले कृपाना जरूर करो ते ठंडे गत का अमृत छको ओंकार तो लैके 18-10-19 तक एक एक अखर से गुरु पालना करो श्री गुरु ग्रंथ साहब तो बिना किसी के सुनो मथा ना टेका करो इस मेरा साहब तुहाड़े कोई मंग नहीं चंगे लगते हो तो वरतो मारे लगते फिर आने बंद हो जाओ चाहे किसी का वरतो ना वरतो तुम्हारी मर्जी है पर यह बेनती साहब जरूर प्रवान करो कि गुरु ग्रंथ साहब तो बिना किसी के मुठा ना टेका करो और कोई सुनो नहीं तुहाड़े को साड़ी जे भाई तुम इन्नी भी भावना साड़ी पूरी नहीं करते जो तो पूरे खवाई आते जलेबियां कर कर खवाई चुनो तो अस दसा तो पैली की सब खवाई तो सुख नहीं बनना बंदे बंदे फिर फायदा क्या सिखा पैसा बनाएंगे फिर जो भाई इस दौरे रखने नहीं फिर कली राम से राम नाम रखवा लो नाम सिंह चोर बोल करते हैं शेर की मुछ न हाथ बंदा पाँगा जी मौत आई हो रही पेड़ नकरी भी तकड़ा जाम हों पर अज सिख गुरु मुन वास्ते किसे तकड़े जाने की लोड़ नहीं सिंह बड़े दुख ने कहना पैदा रोक के कहना पैदा सिखा ने घरे जम के
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਤੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛੋਕੜ ਰਿਸ਼ਤਾ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਸਾਲ ਸੀ ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਪਸਾਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੋਸ਼ੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਰੇ ਆਪ ਕੁੱਟ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀਰ ਸੋਹਣ ਜਾਦੇ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਬਾਤ ਦਾ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਜਾਏ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾੜਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਕੜੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰੀਏ ਕਿਆ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤੇ ਭੋਗਦੇ ਹੈ ਇਹ ਤੇਰਾ ਕਾਟਾ ਲੱਗਣਗੇ ਪਿਆਰ ਜੇ ਕਾਟਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੱਠ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਨੀ ਤੋਂ ਅੰਗੂਰ ਲੱਗੂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰੇਗੇ ਖਾ ਲਵੇਗੀ ਸੰਗਤ ਇਹਨੂੰ ਟਾਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਤ ਕਰਨੇ ਪਏ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਖੋਪਰੀ ਹੋਣੀ ਪੈ ਗਈ ਕੇਸ ਕਿਤਾਬ ਸੋ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਿਤਾਬ ਖੋਪਰੀ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੇਸ ਹਜ਼ੂਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਘ ਬਾਪੂ ਦੋਨਾਂ ਆਪਾਂ ਕਟਾ ਲਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ